नमस्कार, स्वागत है आपका। फेस्टिव सीजन आ रहा है और देश में लगातार अब जो है आप देखेंगे बाजार भी सजे पड़े मिलेंगे आपको। और इसके साथ साथ कोरोना काल के दौरान जो रेलवे की रफ्तार थी, ये तो नहीं कहूँगा पूरी तरह से उसमें ब्रेक लग गया था, लेकिन वो थम जरूर गई थी, मध्यम जरूर पड़ गई थी। और ऐसे में अब ये जो एक जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 196 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी, यानी कुल मिलाकर फेस्टिवल सीजन में भारतीय रेलवे ने 392 ट्रेन का जो है इंतजाम एक तरह से किया है। और ये 392 ट्रेन, इसमें से जो मुख्यतः हैं वो दिल्ली से चलेंगी। इनकी जो रफ्तार को लेकर बात आई है वो बहुत हैरान करती है। इनकी जो मैक्सिमम मिनिमम रफ्तार होगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो होगी, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इनमें से जो अधिकतर ट्रेनें हैं वो दिल्ली से चलेंगी। क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखें तो एक ऐसी जगह जहाँ पर हिंदुस्तान के हर सूबे से जो है लोग निकल कर आते हैं, और यहाँ पर काम की तलाश में हो, पढ़ाई की तलाश में हो, या फिर यहाँ बसने के सिलसिले में एक अच्छे जीवन की तलाश में भी यहाँ लोग आते हैं। तो ऐसे में यहाँ से आपको लगे मिलेगा कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हर जगह पर लोग जो है आवाजाही रहती है। इसी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। और इस फैसले के तहत जो एक आध अहम बातें हैं वो आपको और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर आप लोग भी अगर अपने घर से बाहर रहते हैं तो आप लोग भी छुट्टियों में, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, हर कोई घर जाता है, तो ऐसे में आप भी अगर घर जाने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये ट्रेनें जो हैं वो 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच चलेंगी। इन ट्रेनों को फेस्टिव स्पेशल नाम दिया गया है, फेस्टिवल स्पेशल नाम दिया गया है। और रेलवे के अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये ट्रेनें कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसके अलावा इनमें बहुत सारी ट्रेनों का नाम है, क्योंकि ये पूरी की पूरी 392 जिसे हम कह रहे हैं वो है। और इन ट्रेनों में अधिक से अधिक AC 3-tier कोच लगाए जाने की बात कही जा रही है, ताकि लोगों को जो है वो अपने घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ फेस्टिव सीजन में शुरू होने से काफ़ी पहले इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जो है वो रेलवे की तरफ से 100 ट्रेनें 150 ट्रेनें 200 ट्रेन का ऐलान होगा, क्योंकि हर बार हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि कोविड था तो लोगों के मन में एक डाउट भी था कि क्या ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि फिर दिक्कत बड़ी हो जाती है। और ऐसे में दिक्कत को कम करने के लिए, ताकि ज़्यादा ट्रेनों का जो ऐलान है वो इस वजह से भी हुआ क्योंकि वो जो एक कोविड के दौरान हम जिस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना चाहते हैं कि एक ही ट्रेन में खचाखच भीड़ ना हो जाए। अगर एक ट्रेन में आप स्पेसिफिक दूरी के साथ बुकिंग करवा रहे हैं तो फिर अगली ट्रेन में लोगों को जो है वो ऑक्यूपाई करने का मौका मिले। तो इस वजह से ये जो पूरा का पूरा मसला है, ये आप देखेंगे कि इसमें इतनी ज़्यादा ट्रेनों का इजाफा इस बार देखने को मिला है। वरना लोग 100, 150 या मैक्सिमम 200 की सोच रहे थे, लेकिन जो सरकार है, सरकार की तरफ से जैसा मैंने आपको कहा कि 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है। आप ये कुछ ट्रेन्स के नाम भी देख सकते हैं जो मेरे साथ आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सारी चीज़ों के बारे में आपको IRCTC में भी जानकारी मिल जाएगी, और भारतीय रेलवे जो वेबसाइट है भारतीय रेलवे की, उस पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। जो रेलवे मंत्रालय है निश्चित तौर पर पूरी तरह से वहाँ पर भी इसकी जानकारी मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।